डिस्कस कर रहे थे कि बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम के बारे में, ठीक है। और सिस्टम ग्रिड सिस्टम जो है ना, समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हमारी जो बेसिकली बूटस्ट्रैप का करने का मकसद यह होता है कि हम इसको इसके अंदर हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकें अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। तो अभी जैसे ये लेआउट है, अब इस लेआउट में हम ग्रिड ये करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये जैसे ये स्क्रीन बड़ी है तो इसका साइज बड़ा है, और अगर मैं इसको स्क्रीन को स्मॉल कर दूँ तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। देखा, वेबसाइट क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हम इंशाल्लाह ग्रिड सिस्टम को अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? थोड़ा सा मुझे काइंडली बता दीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ काइंडली आ रही है सबको? क्लियर आ रही है? मैसेज कर दें मुझे। ठीक है, अच्छा, ये हम ग्रिड सिस्टम को इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली जो एक वेबसाइट होती है, या जो डिवाइसेस होते हैं, जो वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली चलती हैं, वो कितने टाइप्स की होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइप्स की होती है बेसिकली। जो मतलब कि डिवाइसेस की जो स्क्रीन होती है वो 6 टाइप्स की होती है। एक होती है इसमें एक्सेस, ठीक है, एक्सेस होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, और SM होता है स्मॉल, और MD होता है मीडियम, LG होता है लार्ज, और XL होता है एक्स्ट्रा लार्ज, और डबल XL होता है डबल एक्स्ट्रा लार्ज, मतलब कि ज़्यादा लेंथ की, ठीक है। तो अब एक्सेस मीन के स्मॉल स्क्रीन। अब जैसे आप कोई छोटा मोबाइल लेते हैं, छोटे स्क्रीन वाला, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेस। SM हो गया स्मॉल, ठीक है। मीडियम जो, यानी ये वीवो वगैरह के जो मोबाइल होते हैं, ये वीवो वो मीडियम होते हैं। टैब वगैरह वो LG में आ जाते हैं, और लैपटॉप की स्क्रीन एक्सेल में आ जाती है। और अगर हम कोई बड़े किसी प्रेजेंटेशन, जैसे ये कोई हम बड़े अगर प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें डबल एक्सेल आ जाए। तो हम अपनी वेबसाइट को डिवाइड करते हैं कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करें एक्सेस में, तो उसको इस तरह से शो हो, SM में शो करें तो इस तरह से शो हो, मीडियम में शो करें तो इस तरह से शो, LG में शो करें तो इस तरह से शो हो। अब ये जो एक वेबसाइट का ये जो एक स्क्रीन होती है, ये जो एक लैपटॉप की या कंप्यूटर की या मोबाइल की ये स्क्रीन, इसके बेसिकली 12 कॉलम्स होते हैं, 12, ठीक है, ये बात याद रखें, 12 कॉलम्स होते हैं। जिन्हें अगर मैं लिख लेता हूँ, जैसे ये लिखा ना कॉल SM, इसका मतलब है कॉलम्स, SM का मतलब है स्मॉल डिवाइस के लिए। अगर मैं खाली एक्सेल कॉलम लिखता हूँ, तो इसका मतलब है इस बिल्कुल स्मॉल डिवाइसेस के लिए। MD कॉल MD, इसका मतलब है मीडियम डिवाइसेस के लिए। कॉल LG, यानी एक वेबसाइट जब लार्ज स्क्रीन पे ओपन हो तो ये ओपन करो। कॉल XL, इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा लार्ज अगर हो तो ये चीज़ ओपन करो। डबल XL, तो इसका मतलब ये। अच्छा, अब हम इसके आगे ये जो SM लिखा हुआ है, इसके आगे जो डैश लगी है, इसके आगे हम कॉलम्स डिफाइन कर देते हैं कि इधर जो 12 कॉलम्स आए, इधर जो 6 कॉलम्स आए। अब अगर मैं स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? कॉल SM6। अगर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा? कॉल SM4। अगर मैं इसे 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो कॉल SM3 कर दूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ एक हिस्सा बड़ा हो, एक हिस्सा छोटा हो,
मैं फिर जैसे कॉल SN2 एक को 2 कर दिया और एक को मैं 10 कर देता हूँ। तो इस तरह से यानी इसके जो स्क्रीन के टोटल कॉलम्स होते हैं वो 12 होते हैं, और फिर हम उसको अपने साइज के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें, ये हुआ है 6x6, यानी एक साइड पे कॉल 6 और दूसरी साइड पे भी कॉल 6। ये साइड इधर आ रहा होगा, ये कॉल कॉलम, और अगर मैं 3 में करता हूँ तो 4 में 4 हो जाएगा, यानी 4 इधर 4 इधर और 4 इधर। और अगर मैं स्क्रीन को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ तो इट मीन्स के 3 3 3 3 का कॉलम बन जाएगा। तो ये बेसिकली कॉलम का मतलब होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये देखिएगा, ये दिया हुआ है, ये जहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये देखिए कि 1 और 3, अगर मैंने खाली कॉलम लिखा, अब ये दूसरा ने लिखा है, अब ये देखिए इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना, तो इट मीन के ये भी 4 है ये भी 4 ये भी 4, लेकिन मैंने दूसरे वाले को सेकंड वाले को कितने कॉलम दे दिए, 6। तो 6 इसको दिए तो ये वाला बड़ा हो गया। अब बाकी कितने बचे, 6 बच गए, तो इट मीन के फर्स्ट वाले भी 3 में डिवाइड हो जाएगा और लास्ट वाला भी 3 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए ये फिर स्मॉल हो गया, अब ये स्मॉल हो गया, ये बीच वाला लार्ज हो गया। क्यों लार्ज हुआ? क्योंकि हमने इसको कॉल 6 कर दिया। कॉल 6 का मतलब है कि सेंटर वाला क्या हो जाए, लार्ज हो। अच्छा, अब उसी तरह से कॉल 5 या कॉल 8 या कॉल 9 या कॉल 10 जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको हम अपनी वेबसाइट में चेक करते हैं। सही, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, ये क्लास होती है कंटेनर, इसे हम कंटेनर बोलते हैं। मैं इसको पहले डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, इसको मैंने यहाँ से तो बल्कि ऐसे करता हूँ, मैं इसको पूरी को ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिएगा कि इसको ये डिस्प्ले किस तरह से होता है। अब ये देखें, ये नीचे आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है, ये 1 ऑफ 3, ये 2 ऑफ 3, ये 3 ऑफ 3। अब ये देखें, ये कॉलम सबसे बड़ा है और ये बाकी वाले छोटे हैं। अच्छा, एक और मैं चीज़ करता हूँ कि अब मैं अगर ये ऊपर वाला मैं सारा डाटा रिमूव करने लगा हूँ, क्योंकि आपको उम्मीद समझ आ गया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ग्रीड को मैं समझा सकूँ। सारा अच्छा, अब मैं इसे आपको समझाता हूँ। ये हमारा आ रहा है, अब जो सेकंड कॉलम है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर क्लोज हो रहा है। अब ये देखें, मैं अगर इसको ये कॉलम 6 दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ कॉलम 2 और इसको मैं कर देता हूँ कॉलम 10, और मैं तीसरे वाले कॉलम को रिवर्स से रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, ये देखेंगे ये इतना बड़ा हो गया, पहले वाला ये छोटा सा ही है और ये सेकंड वाला इतना बड़ा हो गया, क्योंकि इसको मैंने कॉलम जिसको कितने दे दिए, 10 दे दिए, और बाकी इसको जस्ट जो है ना वो पहले वाले को कॉलम 10 हो गए और दूसरे वाले को कॉलम कितने मिले, 2 मिले। इस वजह से वो दूसरे वाला स्मॉल है, पहले वाला लार्ज हो चुका है। तो इस तरह से मतलब कि आप कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये अच्छा, अब ये मैं एक जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था, अब ये देखें कि खाली अगर कॉल लिखा होगा तो इसका मतलब ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। अगर मैं कॉल कर देता हूँ कॉल SM, कॉल SM का मतलब क्या है कि स्मॉल डिवाइसेस के लिए। तो मैं अब इधर आगे इसी के आगे रहूँगा,
और SN कि जब स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर शो हो तो 6 फर्स्ट में शो हो जाए और 6 ही सेकंड में शो हो जाए। अब इसका मतलब क्या है कि जब इस स्मॉल डिवाइसेस पे हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो इसके दो हिस्से होंगे और 6 फर्स्ट यानी एक स्क्रीन के दो हिस्से होंगे इक्वल इक्वल। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये ओपन हो मीडियम पे, जब ये ओपन हो मीडियम पे तो किस तरह से शो, तो मैं ये कॉल MD करूँगा। ये बात आपको समझ आ रही है ना, ये कॉल MD और मैंने इधर कर दिया। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जब मीडियम पे हो तो सिर्फ फर्स्ट रो ही यानी फर्स्ट वाला जो बॉक्स है वही शो, तो मैं कॉल MD रन कर दिया। तो अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले में जब लार्ज पे शो होगी या मीडियम पे तो फर्स्ट वाला ही शो होगा। इसी तरह से मैं इसको अगर मैं कहता हूँ लार्ज पे ही 3 कॉलम शो होगा, ठीक है, तो मैं इसी के आगे कर दूंगा लार्ज और मैं कहा कि फर्स्ट में जी थोड़े से बड़ा शो हो, ठीक है, और इधर मैं कर देता हूँ कि सेकंड में लेट्स गो 4 कॉलम्स आ गए और एक तीसरा बना देते हैं वो 2 कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है, अब ये देखें जैसे मैं दराज ओपन करता हूँ, तो ये हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं दराज, दराज .pk। मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करता हूँ। अब ये देखें ये ऊपर इसकी डायमेंशन आ रही है, गैलेक्सी S8 में इतनी शो हो। अब ये देखें इसमें उन्होंने ग्रिड देखो कि इसमें उन्होंने इक्वल ही लगाई है। अगर मैं इसे बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ जैसे आईपैड पे तो ये इस तरह से शो होगी, सेम वही चीज़ है। और अगर मैं इसमें करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी में तो इस तरह से शो होगी, ठीक है, और जब मैं आईफोन में करता हूँ तो इस तरह से। तो अब ये देखिए मेरे ख्याल में उन्होंने ग्रिड सिस्टम चारों के ऊपर एक इक्वली लगाया हुआ है, चाहे बड़ी वेबसाइट हो चाहे छोटी स्क्रीन हो उसके ऊपर जो मतलब चीज़ें हैं वो इक्वल ही शो हो। लेकिन अगर आप देखें पीयू की वेबसाइट, पीयू की वेबसाइट हम ओपन करते हैं, तो अब उसमें देखिएगा, पर मैं आपको वैसे इसका व्यू दिखा देता हूँ। अच्छा ये वेबसाइट किस तरह से शो होती है, अब नीचे देखें, अब आपको जब हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन करते हैं तो ये 3 कॉलम शो हो गए हैं, ऐसे ही है, पहले वो कैसा आ रहा है फिर एकेडमिक्स फिर कोर्सेस। लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूँ, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आया, अब ये देखें इसमें क्या है, 1 कॉलम शो हो रहा है यानी अबोकस, फिर नीचे दूसरे एकेडमिक्स और फिर तीसरे नंबर पे कोर्सेज शो हो रहे हैं। तो ये किस वजह से, क्योंकि इन्होंने यानी स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है। अच्छा मैं अगर इसे आईपैड पे ओपन करता हूँ, अब ये इधर 3 शो हो रहे हैं, सही है, और अगर मैं सबसे कम स्क्रीन पे शो करूँ iPhone 12 का शो, अच्छा उसमें भी इस तरह से शो हो रहे हैं, इसमें भी इस तरह से शो हो रहे हैं, iPad मैंने पे चेक करो उसको भी इस तरह। तो अब ये देखें मतलब कि उन्होंने दो इसके बेसिकली डायमेंशन बनाए हुए हैं, यानी एक एक्स्ट्रा एक लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज और उसके लिए अलग बनाई हुई है और स्मॉल मीडियम के लिए अलग बनाई हुई है, क्लियर हो गया ना। तो ये बेसिकली मतलब कि ये कॉलम का फायदा होता है। या अब ये देखें इसमें वैसे 3 शो हो रहे हैं, लेकिन जब हम अगर कोई छोटे मोबाइल को जैसे सैमसंग वगैरह पे ओपन करें तो उसमें क्या होगा, ये वेबसाइट इस तरह से शो होगी। अब ये देखिए यानी अगर वो इधर 3 ही शो होते तो ये जिसके आई साइड वीक हो जाए इस तरह से उसको तो देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से ये फिर ये वेबसाइट का फायदा होता है कि जैसे ही वेबसाइट
कोई बड़े छोटे स्क्रीन पे ओपन हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए एडजस्ट हो गए, तो वो हम किसके जरिए करते हैं, ये ग्रिड सिस्टम के जरिए करते हैं। कंटेनर्स का भी आपको बता दें, या जो ग्रिड कंटेनर्स के अंदर ही आते हैं और उसको क्लास कंटेनर्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा तकरीबन जो है ना इसका ओवरव्यू सारी चीज़ों का हो चुका है। नए बार जो है मेन मेन जो चीज़ें वो सारी हमारी हो गई हैं, और कल हम इंशाल्लाह एक वेबसाइट बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे इसी के अंदर ही ना, बनाने की कोशिश करेंगे जितने हो सकेंगे। या एक और है कि पहले हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लें और बूटस्ट्रैप को हम बाद, मतलब कि ये जो वेबसाइट है ये हम बाद में कर लें। मेरे इरादा यही है कि पहले हम ऐसे करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद हम एक वेबसाइट का पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे जिसमें उसका फ्रंट एंड कंप्लीट हम दिखाएंगे। ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप को कम्प्लीटली डिस्कस किया। मैंने इसके एक एक चीज तकरीबन आपको बताई है, बेसिक से लेकर सारी चीज़ें कि कैसे हम यूज़ करते हैं। फर्दर जब हम इसको आगे कोई प्रैक्टिकल या कोई वेबसाइट बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मुझे एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन कंफ्यूज या कोई भी प्रॉब्लम हो जो भी हो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर शुगर हो तो उसका स्क्रीन पर देखकर सेंड कर दिया करें, वो फिर ये होगा कि मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो अभी क्लास को एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया, ठीक है, टेक केयर।